फिलहाल हम लोग खटखट टोल पर हैं और खटखट टोल पर भाई देखो पीछे है जो कैथल की जो कमेटी है किसान यूनियन की, वो पहुंचे हैं खटखट टोल पर। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे, खटखट टोल पर क्या निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे और क्या इनका मकसद था। राम राम प्रधान जी। राम राम जी, धन्यवाद। जो आज आप लोग खटखट टोल पर पहुंचे, क्या निमंत्रण दिया आप लोगों ने? आज निमंत्रण ये दिया है, 9 तारीख को तानाशाह भ्रष्ट मुख्यमंत्री खट्टर कैथल में पहुँच रहे हैं अग्रसेन जयंती पर, और अग्रसेन जयंती का कोई विरोध नहीं है, उनका मान सम्मान करते हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उनका हम झांकी भी निकाल लेंगे जी। हम उसमें अगर बुलाएंगे तो शरीक भी होंगे, क्योंकि कोई भी महापुरुष किसी एक बिरादरी का नहीं होता, तो सभी का होता है जी। लेकिन कुछ बीजेपी के एजेंट अपनी टिकट की चाहत रखने वाले वो ज़बरदस्ती प्रोग्राम करवा रहे हैं, उनको हमने मिले थे हमने वे रिक्वेस्ट भी करी भी, आप अग्रवाल समाज का और किसान समाज का बहुत पुराना नाता है, आप भाईचारा का ये ताना बाना ना तोड़ें। लेकिन वो जो लालची लोग होते हैं राजनीति के टिकटार्थी, वो क्यों मानेंगे जी। बाकी जो इज्जतदार लाले हैं, मेन आदमी हैं, वो सभी बोले भी हम तो किसान समाज के साथ हैं, हम खट्टर का क्या करेंगे, हमने जयंती मनानी है धूमधाम से मनाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम आज पहले बद्दोड़ा टोल टैक्स पे प्लाजा पर गए थे, अब यहाँ खटखट टोल प्लाजा पर आए हैं, क्योंकि जीन नरवाना के साथ कैथल का रोटी बेटी का नाता है, हमारे बुजुर्गों ने कहा था वहाँ भी जाएँ, क्योंकि अगर कोई अगर कोई घटना होगी तो आप भी हमारे बोलोगे भाई हम क्यों नहीं बुलाए, हम आपके क्या भाई नहीं हैं, हम इस लायक नहीं समझे। इसलिए पूरा हरियाणा के जितने भी टोल हैं सभी पे, पूरे जिले के प्रधान वगैरह जितने सभी फ़ोन करके सभी को रिक्वेस्ट किए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 9 तारीख को नीम साहब गुरुद्वारा मानस रोड पर बल्दाना रोड पर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10-11 बजे पहुँचे जी। और फिर प्रधान जी 9 तारीख को लेकर क्या चल रही है किसानों की, क्या करने 9 तारीख को खट्टर ने कैथल में बन जाएंगे, आर पार की जंग है जी। ये तो किसानी या वो नहीं, एक बात होएगी जी। और जो ये गुंडे बुला रहे पंचर बीजेपी के दलाल 80% बनिया समाज तो हमारे साथ है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जवाब भी दे दिया भी ना बुलाओ, भाईचारा खराब अवस्था है। लेकिन फिर भी प्रशासन तक बोल दिया, मन लाठी गोली खाने के लिए तैयार, बैरिकेड एक लगाओ चाहे 20 लगाओ सारे तोड़ेंगे, पहले तो शांतिपूर्वक करेंगे काम, लाठी और 9 फुट का डंडा भी साथ में होगा, शांतिपूर्वक काम करेंगे, अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी सूरत में जी। जैसे पिछले 10 महीने से आंदोलन चल रहा है और लगातार किसान विरोध कर रहे हैं, भाई आप लोग ना हो कोई प्रोग्राम ना रखो राजनीतिक प्रोग्राम, उसके बाद भी ये लगातार आने का काम कर रहे हैं, क्या मंशा लगती है इसके पीछे? ये भाईचारा खराब रखा है, सोचा मैं दिल्ली से आंदोलन टूट कर कड़ी हरियाणा में शिफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये मन में से बहम कैट दे खट्टर भी मोदी भी, आंदोलन तो चलेगा तो दिल्ली से चलेगा, और जब तक आंदोलन नहीं जीतेंगे दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। जैसे आप लोग खटखट टोल पर पहुंचे तो क्या आश्वासन दिया? खटखट टोल एक क्रांतिकारी धरती है जी। जब भी कोई आंदोलन जीता जाता है तो खटखट टोल मतलब जींद एरिया उसका अगवाणी होता है, इसलिए हम भाईचारे को निंदा देना आए हैं भाई, खटखट टोल जहां भी कोई इतिहास लिखा जाता है तो जींद जिला का ही है, कोई भी कुछ ले ले सेंटर भी है बीच में, हाथ ये उरक धरती है ऐसी है, मतलब इनके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। और प्रधान जी जो वहाँ कैथल के आसपास के एरिए के किसान हैं उनका क्या रुख है 9 तारीख का? जो कैथल के आसपास के किसानों में पूरा जोश है जी। पूरा बैरिकेड तो कैथल के किसान तोड़ेंगे, लेकिन मन तो भाई यहाँ साथ चाहिए, जनसंख्या दिखानी है, मैंने 50,000 आदमी करने का मेरा टारगेट है, सारा हरियाणा कनाल भी भेवा भी कुछेत्र भी अंबाला भी जुलाना भी फोन करा, जड़े नहीं जा सकते फोन करना तो, लेकिन बदला स्पेशल आए हम। ठीक है प्रधान, देखो भाई ये किसान खटखट टोल पर पहुंचे थे कैथल के एरिया और उसके आसपास के एरिया से ये किसान है, और इनका लगातार कहना है जो 9 तारीख को मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम है उसका जबरदस्त विरोध किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।